गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, और कैसे हैं मेरे प्यारे दगड़ियों। और ये दिन आ गया जिस दिन हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है देहरादून को छोड़ के। बहुत ही सुंदर दिन था और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैंने खाने की तैयारी कर दी है रास्ते के लिए। रात में चावल बॉयल थे तो सब्जी पका रहे हैं और पुलाव बना के ले जाएंगे रास्ते के लिए। और चाय पी के मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे दिन गए हमारे। लॉकडाउन के बहाने हम सास ससुर के साथ रहे, उनको भी अच्छा लगा और हमें भी, बच्चों को भी अच्छा लगा। बट एक ना एक दिन तो जाना है क्योंकि काम भी ज़रूरी है और बच्चों का स्कूल भी है, तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। और हमारा घर काफ़ी दिन से, यानी कि लगभग महीने से, 10-11 महीने से बंद पड़ा है, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होगी। तो जाना तो है, तो यही लाइफ है बस। और खाने की तैयारी हो गई है, ये देख लीजिए मैंने पुलाव बना लिए हैं। और बच्चे अभी सो रहे थे तो अभी उनको तैयार करना है क्योंकि अभी थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी तो निकलना है। बस अभी जाती हूँ, उनको तैयार करती हूँ, थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी। और ये दादा दादी को बुरा लग रहा है, हमको भी, पर क्या करें, जाना तो है दिल्ली और यही लाइफ है। और रास्ते में बस यही डिस्कशन कर रहा था ड्राइवर कि आपका सामान तो बहुत कम दिख रहा था फ़ोटो में, बट रियल में तो बहुत ज़्यादा था। तो हमने बोला क्यों नहीं, ज़्यादा तो हो गए, हम 1 साल रहे। तो वो भी चौंक गया, बोलता अच्छा 1 साल रहे, तो वही सामान बहुत ज़्यादा था, इस वजह से बड़ी गाड़ी करी है हमने। बट फाइनली फिट आ गया था सारा सामान। और पूरा रास्ते भर बहुत ही ठंड थी उस दिन, बहुत ही कोहरा छा रखा था पूरे रास्ते में, देख लीजिए आप। और फ्रेंड्स, थोड़ी देर में हम अपने घर को पहुंचने वाले हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले टाइम में मैं और अच्छी वीडियो अपलोड करूँगी, आपको और भी कुछ वैरायटी देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।